I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. राम राम सबने, तो भाई स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज पता क्या हो रहा, आज हम भाई अपने फाइनली अपने गिटार हैंग करेंगे भाई। बहुत दिन से भाई यहाँ पे नीचे रख पर रखे हुए, अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं जिम से निकाल के ले आया था, अब आराम से इधर लाएंगे, फोकस लाइट के ठीक जस्ट इधर इन्हें करते हैं फिक्स। और भाई अलमीरा का अलमारी का भी गाइस काम हो गया चालू, अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा। अंकल यहाँ पे फिक्स करेंगे चलो इसे पहले लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। अलमीरा का काम दिखाते हैं भाई, अलमारी ये है भाई, पूरी वाली बनने वाली है, लग जाएंगे चार पांच दिन तो लग जाएंगे हैं मंटू भाई, इसमें 4-5 दिन भाई पूरे लाएंगे। आज तो में भी हो सकता है भाई फ्रेम बन जाए पूरा का पूरा, कल फिर कब्जे पल्ले माइका जैसे सारा का सारा ये काम हुआ था ना वैसे ही होगा। और ये भाई यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, लोगों का पागल बनाना स्कीम में बेचना। तो भाई अभी पूरा फिटिंग वगैरह करते हैं इसकी, दिख रहे हैं दोस्तों गिटार हैंग हो चुका है, मैं लाइट जला कर करता हूँ। कैसे लग रहे हैं भाई, फोकस लाइट लग रही कि नहीं लग रही? लगता है थोड़ा सा एंगल और लाइट का मुझे हल्का सा टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि और अच्छे से फोकस पड़े इन पे। तो यार अभी ना पुनीत मामा का भी किचन तैयार हो रहा है ना, तो उन्होंने ना मुझे टाइल की फ़ोटो भेज दी, दिखाता हूँ आपको कैसे। मुझे तो थोड़ी ठीक लग रही है बढ़िया, ये देखो मुझे तो काफ़ी सही पैटर्न लगा, थोड़ा क्रीमी है, हल्का सा वो होता है ना थोड़ा ग्रीन, हल्क लाइट ग्रीन टेक्सचर है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। यह है भाई इसका, अब पता नहीं इन्होंने कन्फर्म किया है कि नहीं किया है, अब आएगा तब देखे। बस मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है, अगर 2x4 है तो भाई किचन अगर बनेगा तो भाई बहुत शानदार लगेगा, बहुत शानदार। यार अभी सो के उठा, भूख लग रही थी, नहीं रोटी भी खाने का जी नहीं कर रहा था, क्या कर रहा, पप्पे और दूध, इससे भूख मिटाऊंगा फिर थोड़ा सा और सोऊंगा। तो भाई चल रहा है काम बहुत जोरों शोरों से लगभग एक होता है ना एक लग यो मेरी बहन है हाय गाइस। ये यूं कह रही भैया ये झोल मोमो, ये कुछ नहीं दुकान से मोमो लाके और ये कड़ी कुड़ी में गिर रखे, घर में तरी तुरी बची होगी ना पनीर पुनीर की या मीट माट की, उसमें कर दिए और कह रहे झोल मोमो, झोल ही है सच में। क्या खिलाएगी क्या बना के हो हैं, आ रहा तुझे बनाने, ट्राई कर लूंगी पहले चल दे उसी दिन 8 तारीख को, 8 तारीख को झोल मोमो। और भाई 8 तारीख को भाई ये झोल मोमो भी खिलाएगी बना के, और क्या है पाव भाजी पार्टी, ठीक है अंकु हमारे भाई का बर्थडे है, हमारे भाई का बर्थडे बना रहे हैं, हमें तो पाव भाजी खाने का जी कर रहा है, उसका बर्थडे ना भी होता हम तब भी बनाते हैं। लो भाई इनके लिए ले आया मोमोज, फ्राइड मोमो और नॉर्मल मोमो, लो भाई तुम भी क्या याद रखोगे, खुश दे कितने हो गए। ले मसाला, ये मसाला गिर लो फटाफट इसमें से, मसाला गिर लो फटाफट। यार अभी थोड़ा जिम आया था राउंड मारने कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा कि नहीं चल रहा, थोड़ी भाई शाम की देखभाल देखनी पड़े। तो भाई लॉन्डे फुल आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। हेलो भाई साथ देखो कौन आ रखा, तब तुम्हें ठीक है, कुछ बता भाई क्या हुआ था तुझे है? अरे बता दे यार, मंदिर में तो फिर पता नहीं टुल्लू आते ही बैठे हैं, क्या हुआ था तुझे? हाँ लौंडा कमजोर तो हो गया भाई, भाई डेंगू टाइफाइड ये सारी दिक्कतें भाई बहुत ही ज्यादा चल रही, बहुत ज्यादा। तो भाई यही कहूंगा भाई अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो भाई, स्वस्थ रहो, हेल्थी रहो, फिट रहो, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन पूरे रखा करो, ठीक है, और पानी दबा के पियो, ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम है थोड़ा इस टाइम पे ना, तो अब तो हल्की हल्की ठंड आ गई, तो क्या है लोगों को ना प्यास फील नहीं होती, लेकिन क्या है लेकिन शरीर को तो भाई पानी चाहिए चाहिए,
तो भाई इसलिए पानी अपना बराबर पीना ही पीना है, ठीक है। आराम से 4 से 5 लीटर तो भाई अपना पूरा रखा रखा करो, और न्यूट्रिशन होते हैं मल्टीविटामिंस लो अपने प्रॉपर, और अपने न्यूट्रिशन पूरे रखा करो भाई, ठीक है। तो भाई व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो भाई जय बुढ़े बाबा जी। Fall in my